बड़ी देर लगाती मेहरबान आते आते। मेरे व्लॉग्स आजकल जो है ना ईद के चांद की तरह हो गए। मुझे पता है मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उसकी वजह मैं बताती हूँ। यार रमजान का महीना गुजरा, रमजान में मैंने बताया था कि मेरा पिछला रमजान खाने पाक नहीं खत्म हो सका था, लेकिन इस दफा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पूरा खाने पाक खत्म कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि यार कोरोना हो गया था मम्मा को, बाकी फैमिली वालों को नहीं हुआ था, लेकिन सिम्टम्स आ रहे थे सब में, तो बस फिर इस वजह से भी ब्लॉग्स नहीं बनाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब ठीक ठाक हैं, इसलिए अब सब अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। कोरोना को ईजी नहीं लेना, क्योंकि कोरोना ईजी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और ईद पर ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि यार ईद पर ना फ़लस्तीन से इतनी सारी खबरें आ रही थी कि भाई उनके क्या हालात हैं, इज़राइल क्या कर रहे हैं उनके ऊपर, तो इतना जो है ना दिल सैड था, मतलब दुखी था कि क्या करें यार, हम क्या कर सकते हैं। मतलब छुरियाँ काटे लेके ना इज़राइल पहुँच जाए और कितने फितरे करते, लेकिन इज़ दिस नॉट पॉसिबल। तो हम दुआ कर सकते हैं, सिर्फ हम बस दुआ ही कर सकते हैं, या मिली लिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा हाँ जी, मेरा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जा रहा था, तो मैंने कहा जरा इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कुछ। फाइनली मैंने सोचा कि यार अभी ब्लॉग्स नहीं बना रहे हैं तो स्टोरी टाइम बना लेते हैं, कुछ तो आए आप लोग कहीं पूरी ना जाए मुझे। इंस्टा पे तो आप लोग काफ़ी याद करते हैं, पूछते हैं ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं इतना सताते नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर लो। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो कि सुनाने में बड़ा मज़ा आएगा, आपको सुनने में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है यार, ये मेरी पहली स्टोरी टाइम है। अगर मैं चीज़ों को गुड़थनम मुथड़म कर दूँ तो मेरी बात समझने की कोशिश कर लेना। दूसरी चीज़ ये कि ये स्टोरी पहले मैंने अपने आप को शीशे में खड़े होकर सुनाई है, बहन आहिस्ता बोल रहे, तो होप सो मैं आहिस्ता ही बोलूँ। जहाँ मुझे भूल गया कि मैंने आहिस्ता नहीं बोलना, वहाँ पर फिर आप मेरी स्पीडें चेक करना। ये बात है 2018 की, मैंने 2018 में नवल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बैचलर्स में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। तो सेकंड सेमेस्टर था मेरा और मुझे याद है काफ़ी गर्मी थी उस वक्त, तो हम क्लास में बैठे हुए थे, हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी थी, ओवर हो चुकी थी, तो हमने कहा हम बाहर जाने से अच्छा है, डिपार्टमेंट से बाहर गर्मी में घूमने से अच्छा है कि हम क्लास में बैठ के वेट करें बसेस के चलने का, जब टाइम हो जाएगा तो हम क्लास से उठ के चले जाएँगे बसेज वाली साइड पर। हम चार दोस्त थी, अब हम तीन रह गई हैं और चौथी इकरा, अगर तुम देख रही हो वीडियो तो हम तुम्हें मिस करते हैं, हमें भी याद करते हैं, भूल नहीं है तुम्हें। हम चार दोस्तें बैठी थी, वेट कर रही थी, बातें बातें कर रही थी अपना, और हम मैंने एकदम से दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ से एंट्री होती है तीन स्टूडेंट्स की, वो आ रहे हैं हमारे तक और उनकी आंखों में मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं। और वो थे फॉरनर्स, चाइनीज़ थे। हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो है चाइनीज़ स्टूडेंट्स की, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा। वो चाइनीज़ थे, उसमें से दो लड़की, एक लड़की थी, दो लड़के थे, दो लड़के थे, एक लड़की, तो एक लड़की और एक लड़का तो क्लास के अंदर आ गया, दूसरा लड़का क्लास में कदम रखा उसने पहला और दूसरा कदम उसने बाहर रखा, वापस चला गया। अच्छा अब वो लड़की आ रही है, अब उसने मेरी तरफ देख रही है, मैं भी उसकी तरफ देख रही हूँ, मुझे पता लगा था कि वो कुछ पूछना चाह रही है, और मैंने कहा ठीक है मैं इसको कम्फर्टेबल करती हूँ, उसकी तरफ और देखती हूँ ताकि ये मेरे तक चल कर आ जाए, मुझसे कुछ भी पूछना चाह रही तो पूछ ले। वो मेरे तक चल कर आई और उसने मुझसे पूछा कि ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स का है, मैंने कहा जी बिल्कुल इकोनॉमिक्स है। तो उसने मुझसे पूछा डिटेल्स दे कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हो, कौन से सेमेस्टर में हो, सब कुछ उसने मुझसे पूछा इन इंग्लिश, और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे पता लग गया था कि ये भी ठीक है समझ आ रही थी, लेकिन हमें उसकी, तो उसने बोला कि ये मेरा भाई है, छोटा मेरा भाई है, तो इसने यहाँ एडमिशन लेना है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। तो मैंने इसकी तरफ देखा तो मैंने कहा ठीक है हम इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के ही स्टूडेंट हैं। तो उसने कहा कि आप थोड़ा सा ना मुझे गाइड कर दें कि यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा किन क्वेश्चन की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। अच्छा मैंने कहा कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, अकाउंटिंग के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, कंप्यूटर्स के होते हैं। तो उसने ना उसके बाद उसकी कॉल आई लड़की की, एक उसने कहा कि मुझे नीचे डिपार्टमेंट में अपनी रिसर्च जमा करवानी है, आप मेरे भाई को बता देंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। उसने अपने भाई को कहा बैठ जाए इधर चाइनीज़ में उसने कहा तुम यहाँ बैठ कर इसे समझ लो। अब जैसी वो लड़की बाहर गई, दूसरा लड़का आ गया जो पहले क्लास में आया था और फिर वापस चला गया था, वो आके ना उस लड़के के साथ बैठ गया। अभी मुझे लग रहा था कि शायद तीनों दोस्त हैं, मतलब लड़की और वो जो लड़का बाहर चला गया था वो दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में, और ये दोनों तो भाई बहन थे ना। तो जो अपने भाई को छोड़कर गई थी उसको ना तो इंग्लिश आ रही थी, ना ही उसे उर्दू समझ आ रही थी, उर्दू तो ऑफकोर्स नहीं आती थी, उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी। तो हम मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसे कम्युनिकेट कैसे करूँ। अब मेरी फ्रेंड्स ना मुझे यूं करके देख रही हैं कि तुम बड़ी बीबी बनी हो चलो अरे समझाओ। तो मैंने उसे पेपर पेन निकाला, उसने कहा कि ना मुझे बताओ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा कि मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसको मैं कैसे बताऊँ कि आपका जो हमने पाकिस्तान में पढ़ा हो चाइना में डिफरेंट हो। उसने मुझे ये भी बताया था उसकी बहन ने कि ये जो है ना इसने जो FSC है चाइना में क्या कहते हो इसे जो भी इसने FSC वहाँ से की है, तो अब इसने बैचलर्स ना यहाँ से करना है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसको मैं कैसे बताऊँ, तो थोड़ी बहुत हमारे वर्ड्स मिलते थे, तो मैंने इसको कहा मैंने कहा डेरिवेशन तो जरूर आएगी क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन डेरिवेशन हमने पढ़ी थी मैथ के क्वेश्चन, उसको मैं बताना चाह रही थी कि ये तुम्हारे पेपर में आएंगे जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि डेरिवेशन क्या होती है, फिर मैंने कहा इसको मैं क्या बताऊँ क्या होता है चाइनीज़ में डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन को कुछ और कहते हैं। फिर मैंने ना एक क्वेश्चन लिखा डेरिवेशन का सबसे सिंपलेस्ट,
तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते मैं उसको बता दी ऐसे करते हैं एक्स पावर ऐसे होती है ऐड होते हैं, तो उसको समझ आ गया। उसने कहा, उसने ना चाइनीज में कोई वर्ड बोला, उसने कहा हाँ इसको चाइना में ये कहते हैं। मैंने कहा हाँ कहते होंगे, चलो ठीक है पाकिस्तान में इसको ये कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने इसको कहा इंटीग्रेशन आएगी। अब मैं उससे ना इतनी मुश्किल से उससे बात कर रही हूँ, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती और मुझे चाइनीज़ नहीं आती। उर्दू तो दोनों मुझे तो आती थी, लेकिन उसको तो उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती। तो आप इतनी मुश्किल से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे साथ लड़का बैठा है वो बिल्कुल ना अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। तो मुझे लगा शायद ये भी इसी तरह का ही है, वरना अगर इसको आती होती तो ये हमें जो है ना गाइड करता, कुछ बोलता। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने समझाया, तो उसने मुझे कहा कि तुम ना मुझे कोई इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन लिख के दो, ताकि मैं इसको सॉल्व करके देखूँ कि क्या मुझे आता है या नहीं। तो मैंने उसको एक इंटीग्रेशन का भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिख दिया। अब वो उसको सॉल्व कर रहा है और मैं अपने दोस्तों के साथ गई हुई, मैं उसको गाड़ी। मैंने कहा यार ये बच्चा यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकेगा, यहाँ पर टीचर्स हमें कंफर्टेबल करने के लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं उर्दू में और ज़्यादा से ज़्यादा समझा लेंगे तो इंग्लिश में। मैंने कहा यार टीचर्स इतना कंफर्टेबल होकर समझा नहीं पाते, वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए उर्दू की तरफ आ जाते हैं, उर्दू से छोड़ के पंजाबी की तरफ आ जाते हैं कि बच्चों को किस तरह बात समझ आ जाए, उनके पल्ले पड़ जाए। तो मैंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में तो अभी तक कोई चाइनीज स्टूडेंट नहीं आया, तो ये हमारी क्लास में हमारे डिपार्टमेंट में मतलब जब भी एडमिशन होगा तो सर्वाइव कैसे करेगा। अब मैं इसे डिस्कस कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं लगता है चल पाएगा, ये फेल हो जाएगा। अब मैं अपने दोस्तों से सारी बातें कर रही हूँ इन उर्दू, मुझे कंफर्म था कि उसको तो समझ नहीं आ रही। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो जिसके साथ लड़का बैठा है वो मुझे कहता है, उठ कर खड़ा हुआ, उसने कहा शुक्रिया मदद के लिए, आसानी से उर्दू बोली है कि मैं उसको दस दे रही थी और मेरी दोस्तें थी कि अशर खत्म गए कहाँ से। हम उसके सामने बैठ के उसी के जो दोस्त था, पता नहीं भाई था, उसकी बुराइयाँ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम डिस्कस उसी को कर रहे थे कि भाई ये जो है नहीं चल सकेगा, फेल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, चाइना से पढ़ना चाहिए इसको, अगर जैसे वहीं से पढ़ा है तो वापस क्यों आ रहा है, पाकिस्तान से क्यों पढ़ा है। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई उस वक्त। और फिर वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा थैंक यू सो मच हेल्प के लिए, और फिर उसकी बहन भी आ गई, उसने कहा थैंक यू सो मच, उस वक्त हमारा टाइम भी हो गया था बसेस का। और मैं उस वक्त शौक में थी, मैंने कहा अबे साले तुझे उर्दू आती थी तो तू हमें गाइड करता, इतनी मुश्किल में क्यों डाला हुआ था हमें। और मैं ना मतलब दो मिनट तक ऐसे ही थी कि व्हाट द हेल, उर्दू आती है तो क्या मसला था कि हम इतनी मुश्किल से लगे हुए हैं आपस में बात करने की, भाई इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, वो अगर चाइनीज में बोले मैं उर्दू में बोलूँ। और वो इतने चिल माहौल में साथ बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको पता है कि भाई नहीं कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन बैरियर है। हमने कहा चल अब क्या हो सकता है, खड़े हो जाओ उठ के। और फिर वो लोग चले गए और उसकी बहन आई थी थैंक यू बोलने के लिए। और फिर मैंने उसको कभी डिपार्टमेंट में नहीं देखा उस बच्चे को, हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी जो है ना चाइनीज स्टूडेंट नहीं है। मुझे लगता है कि यार ये ना सर्वाइव नहीं कर सकते चाइनीज स्टूडेंट, इस तरह कर तो सकते हैं अगर उनको इंग्लिश आती हो। अभी स्टोरी सुनाते हुए जो है ना मुँह गर्म हो गया तो उस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं कह रही थी कि यार मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरह के लोग हैं पाकिस्तान के, इतनी जो है ना, हालांकि ये चूली नहीं थी कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ये बात कर रही थी कि ये सर्वाइव कैसे करेगा, ये पता नहीं चल पाएगा या नहीं पाएगा। लेकिन उस वक्त मैंने पल्ले में बांध ली थी बात अपने दुपट्टे के ना पल्लू से बांध ली थी। मैंने कहा था शल अपने मुंह को ना हर जगह नहीं खोलना चाहिए, बंद रखना चाहिए, लेकिन मेरे जैसे लोगों का जो मुंह है ना वो बंद हो मेरा तो जुबान करती रहती है मुँह के। तो ये थी आज की स्टोरी जो बड़ी मुश्किल से मैंने सुनाई है, इतने ड्रामे की स्टोरी सुनाने से पहले भी है। होप सो आपको पसंद आई हो। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मज़ेदार, इसे भी मज़ेदार, तो के जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको सुनाऊंगी, व्लॉग्स भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया है, मैं पंखा बंद करके बैठी हुई थी और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इट्स द एंड। तो हम अपने क्लासेस में बैठे हुए थे, क्लासेस में बैठे हुए थे। ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी तो मुझे तो घंटा लग जाएगा। अच्छा यू कैन डू इट, ओके आई कैन डू इट। ये कहानी एक दफ़ा ऐसे नहीं सुनाते। मैं उधर देख देख के बात क्यों कर रही हूँ, मुझे आप लोगों की तरफ देखना था। मैं फाइनेंस कर रही हूँ बैचलर्स में। बैचलर्स कर रही हूँ।